प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें ये भी तय किया गया कि MPLAD यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट डिवीजन के तहत सांसदों को विकास कार्यों के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अगले साल ये राशि 5-5 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इस स्कीम के तहत 2020-21 के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ कोविड से लड़ने के लिए किया गया था, लेकिन अब ये लोक विकास कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की भी मंजूरी दी है।